हेलो एवरीवन, टेस्टी कुजिन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन पर क्लिक करें मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जानने के लिए। आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी। ठंडियों के सीज़न में अमरूद आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के अमरूद, लेमन 1, फ्रेश कोरिएंडर बंच और 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, नमक स्वादानुसार, कुछ काली मिर्चें। अब हम इन सारी चीज़ों को लेकर के एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इनका एक फाइन पेस्ट बना देंगे। अमरूद की चटनी में बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें अमरूद लेना है, उसे कट करके सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके पीस लेना है। इस अमरूद की चटनी में अगर आप चाहें तो आप पुदीने की पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं और काली मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ठंडियों के सीज़न में हमें सब्जियां और फल बहुत ही फ्रेश मिलते हैं, तो ये अमरूद हम कच्चे भी खा सकते हैं या इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी का स्वाद थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा तीखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे किसी भी पकौड़े या फिर अपने मेन कोर्स में खाइए, इसका स्वाद आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आप मेरी रेसिपी देख करके अपने घर पर ये चटनी बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।